है क्योंकि घर पर आने वाली है पायल। चीकू के पापा निकल चुके हैं तो पायल बस घर पे आने वाली है, और साथ ही साथ ना अभी बच गए हैं 4 गाइस, और 5 बजे डेकोरेशन वाले भैया भी आने वाले हैं। चीकू के बर्थडे की तैयारी करेंगे, आज होगी उसकी फुल बर्थडे की पार्टी। और डॉक्टर ने वैसे पायल को बोला था कि ना आप एक दिन और रुक जाओ, पर चीकू का बर्थडे है तो पायल के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो डॉक्टर से जिद करके पायल आ रही है घर पर। भैया आप इसको सुलाते तो हो नहीं, सुलाई तो रहा है, मुझे सुला रहे हैं। ये आपको सुला रहे हैं, लग नहीं रहा इसका हाथ तो। अरे दोनों की आपने सेम देखा, दोनों का सोने का स्टाइल है, देखो सेम 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 सेम। भैया मैंने ना गाइस से कमेंट में पूछा था कि ये ऊपर क्यों देखते रहता है, उन्होंने बोला इसके कपड़े मुंह पर टांगते हैं ना, तभी वो। अब मुझे भी याद आया क्या होता है, सच बताओ। मैंने भी सुनी है बात। गाइस आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बच्चे ऊपर क्यों देखते हैं, मैं समझ गई, क्योंकि सारे देखो कपड़े ऊपर टंगे हुए हैं। तो अभी क्या करती हूँ, ये कपड़े सूख जाते हैं, कोई बात नहीं आज सूखने दो। कल से ना मैं आंटी को बोल दूंगी आप जब भी कपड़े धोना तो इनके कपड़े स्टैंड पे लगाओ, ऊपर नहीं, क्योंकि जैद को मैं जब भी बात करती हूँ करते हैं वो ऊपर ही देखते हैं, वो मुझे देखता ही नहीं है, मुझे लगता है पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ। तो गाइस आज बना है लंच पसंद है, बाकी सब खा लेती हूँ। तो गाइस ये वाला जो हमारा रूम है ना मास्टर बेडरूम, इसकी सारी की सारी डेकोरेशन आज चीकू ने उतार दी है। बड़े दिन से बोल रहा था मम्मी गुब्बारे फोड़ने, मैंने कहा बेटा तेरा जो मन है कर। तो सारी डेकोरेशन निकाली, टूथपिक ली, सबको फोड़ा, अब वो चला गया आराम से अपना खेलने के लिए। तो गाइस आज कल ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा अपने लिए, तो मैं ब्लॉग में बोलती हूँ तो मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ना बिल्कुल रेलगाड़ी पकड़ी हुई है इसने, इतना फास्ट बोलती है। बट क्या होता है दिमाग में ना 36 से चल रही थी, अच्छा यार ये भी करना है, अच्छा यार ये भी करना है। अगर कुछ काम कर रही हूँ ना तो ज्यादा उठ जाता है, ज्यादा को जैसे सुलाओ तो तू बढ़ जाती है, फिर तूबा को सुलाओ तो फिर दोनों के दोनों सुसू कर देते हैं, इकट्ठे ही कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ना आ गई है मेरी मजेदार सी डाइट। तो गाइस बस वेट कर रही हूँ बैठ कर की जैद या तूबा में से कोई उठे तो मेरे से बातें करे, पर दोनों आराम से सो रहे हैं। दोनों का देखो स्टाइल देखो, दोनों का सेम, ये भी ऐसे सोता है और ये भी ऐसे सो रही है, दोनों भाई बहन आराम से सो रहे हैं। अयान का वेट करे, अयान भी आने वाला है, फिर इनकी जो टीम है ना कम्प्लीट हो जाएगी आज। सोना तूबा कागल ना में बेटा, आज तो मम्मा घर आ गई है, तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही आपको, मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। तो गाइस आज का चीकू के पापा ने अपनी तूबा के लिए, जैद के लिए, अयान के लिए बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए थे, BMS फैशन से वो आ चुके हैं। देखो जैसे कि ये है फ्रॉक, ये भी है तूबा के लिए फ्रॉक, ये आज अपने भाई के बर्थडे पे पहनेगी वो, हालांकि इतनी मतलब इसको आएगी नहीं, तो वाओ ये भी पहन सकती है तूबा, तो ये तूबा को नहीं आएगा अभी। और एक ये है तूबा का, मेरे ख्याल से तूबा को ये पहनना चाहिए, इसको फिट आएगा, आएगा उसे, हाँ आ जाएगा, छोटा है आएगा। तो ये तूबा को बनाएंगे, अयान को ये बनाएंगे, हाँ ठीक है, और जैद को ये बना देंगे, जैद को ये बना, इसके साथ ये है, इसे लिख करिए, हाँ इसके साथ ये लिख करिए, क्योंकि ये बस साची है ना, इसके साथ ये है, ये तीनों बच्चे के हो गए मेरे ना, ठीक है। और मेरे बच्चे ये हैं कि आपके लिए मैं लेके आ रही हूं, आपके लिए मैं लेके आ रही हूं, शॉपिंग करने नहीं, आपको सोना है, रात को बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना। और ये गाइस ये जो कलर है ना, ये और ये हम दोनों अयान को और उसको ना एक साथ पहनाएंगे, दोनों भाइयों। तो और ना ये वाले जो हैंकी ना बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, उसकी पैकिंग इतनी बेहतरीन लग रही है ना, टॉफी वाली पैकिंग। और साथ ही साथ ना गाइस मैंने पहली बार देखा है, दिखाती हूँ आपको, और ये भी मेरे साथ गाइस में ये भी है हैंकी बहुत सारे। तो गाइस मैंने पहली बार देखा है कि ना मिटन्स पे ना डोरी लगी हुई है, मतलब हाथ के अकॉर्डिंग तुम उसको बांध सकते हो, बच्चों की मिटन्स बार बार गिर जाते हैं ना, तो ये वाले जो है ना गोलू, तो ये मैं और मंगा लूँ। तो गाइस पिछले 2 घंटे से ना बच्चों को सुलाने में लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ी जहतो तहतो करके ना जैद सोया यहाँ पे और तूबा भी सो गई है। बस अभी ना हमारा जो अयान है ना वो रो रहा है, तो पायल अभी चीकू को सुला रही है, अयान को सुला रही है, इन दोनों को सुला रही है। तो यहाँ पे ना मेरे लिए और पायल के लिए खिचड़ी आ गई है, साथ में दूध आ गया, क्योंकि दीदी कह रही थोड़ा हल्का खाना खाओ ना सही रहता है, बट पूरा टाइम रोटी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा रोटी खाने से ना बच्चे अंगड़ाई लेते हैं, लाल हो जाते हैं, तो रोटी हम दिन में 2 बार खाकर ना अपना खिचड़ी दलिया ये सब भी खाना स्टार्ट करेंगे। पायल दूध का ठंडा, ठीक है। तो पायल चीकू को गाइस इसलिए सुला रही है क्योंकि रात को उसका बर्थडे है, अगर ये नहीं सोए ना इसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा आएंगे, मॉर्निंग का उठा हुआ है तो इसका 2-3 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में पायल भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी। तो गाइस आज शाम को बना है खाने में आलू सोयाबीन, और ये जो है ना शांति हमारी, जब देखो आलू बनाती है, इतना आलू बनाती है, इतना आलू बनाती है, हमारे घर में 2 चीजें ज्यादा बनती है, आलू और एक दाल है हमेशा, तो साथ ही साथ राजमा भी बो दिया क्योंकि कल है चीकू का बर्थडे और चीकू का फेवरेट है डिश में राजमा चावल, तो कल वो खाएगा राजमा चावल। और साइड ही साइड में ना यहाँ पे ना ये लक्ष्य प्रिपरेशन चीकू के पापा के डाइट के लिए, तो तीनों कैप्सिकम कट करके मिली। तो गाइस आज 3 दिन बाद घर आई हूँ ना, और अपने बच्चों से मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चा यहाँ पे मेरी गोद में सो रहा है और एक बच्ची यहाँ सो रही है और एक बच्चा सो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों से दूर रह के ना, घर से दूर रह के बहुत अजीब सा लगता है, वहाँ मन हॉस्पिटल इतना भी अच्छा हो पर आती नहीं घर पर, हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, नर्सेज बहुत अच्छी थी, और आधे आधे पौने पौने घंटे मुझे देखने आ रहे थे, पूछने आ रहे थे, और पहले से अब मेरी आपको सिचुएशन भी बेटर लग रही होगी। और आज मैं नहाई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सर भी धोया है, मैंने कपड़ा बांधा। तो गाइस पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रही थी अभी ऊपर जाकर डेकोरेशन देखी, अभी देखी जैसे ही जाने लगे अयान उठ गया था, फिर अयान को मैंने चुप कराया, उसे दूध पिलाया, सुनाया, जैसे फिर अयान सोया आवाज़ आई, एक फोन आएगी, तो मैं समझ
जैद है, जैद को भी फीड दिया, वो दोनों सो गए हैं। तो बस अभी ऊपर जाती हूँ, एक बार जाके डेकोरेशन देख कर भी आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। भैया बोल रहे हैं कि डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गई है, डन। तो गाइस डेकोरेशन दूर से दिख रही है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है, तो मुझे लग रहा है पांडा थीम है, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। तो आज वो पहले दिखा देती हूँ। Your sugar coated doll is not so pure, my bad. I don't give a. You stepping on me and that karma mama touch you better than that. You're mad. तो गाइस ये जो डेकोरेशन है ना, वेलकम टू चिरायू सेवंथ बर्थडे, ये जो डेकोरेशन है आई ड्रीम मेकर्स ने करी है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है। मतलब ये जो हमारी जगह थी ना, जितनी भी आप देखो रहे, पूरी रॉ जगह थी, खाली छत थी, क्योंकि उस जो हमारी टेरेस है ना, उस पर हमने जिम का सेटअप करा हुआ है, तो वहाँ पे स्पेस नहीं थी। तो इन्होंने कारपेट्स भी बिछाए हैं, साथ ही ये सिटिंग अरेंजमेंट करा है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, इसके सिनेमैटिक शॉट्स अभी आप देखना, अनएक्सपेक्टेड डेकोरेशन। आप भी आ जाओ ना प्लीज। थैंक यू जी जी। आप अपना बता दो इंस्टाग्राम का भी। यहाँ पे कमाल की स्मूदी बना दी लक्ष्य ने कहा पपीते की स्मूदी बनाई थी, ऐसी स्मूदी बनाई कि मुझे ना पपीते से नफरत हो गई। ऐसे एक बार आपको ढोकले से भी नफरत हुई थी ना? हाँ, एक बार केक भी बनाया था तुम दोनों ने, याद है? तो वो तो अच्छा बना था, लूट लूट के खाया था। तो गाइस सूरज भाई के मैंने महीने के कम से कम भी 5 से 6 हजार रूपए की सेविंग करवा दी है। बिल्कुल, मतलब वो पैसे चाह के भी नहीं खर्च कर सकते। वो क्या था कि सूरज भाई ना ब्लैक दाढ़ी करवाते थे, मैंने बोला सूरज भाई इनको चेंज कर दो, आप ना व्हाइट ही रखो, इससे थोड़ी सी आपकी पहचान बनेगी। और वही सूरज को लग रहा, तो आज सूरज बहुत प्राउड फील कर रहा है ना। बोलो, मैंने जो सफेद दाढ़ी करवाई, याद है? हाँ, कितने टाइम से कहते रख ले रख ले रख ले। आपने करवाई है ये? और क्या, आई नहीं? नहीं, ओरिजिनल है, पागल है यार। तो आते थे ना तो भाई ने कहा ओरिजिनल है, नहीं दाढ़ी है। अच्छा, मैं समझ गई, जो आती थी आप उसको डाई कराते थे। चीकू पापा ने कहा इस बार जैसा ओरिजिनल है वैसे रहे। तो सच में ज्यादा अच्छा लगा, एक महीना घर से बाहर निकला मैं, ये लुक ज्यादा अच्छी लग रही है भैया। तो भैया यहाँ पर हमारी बेटी, हमारी बंदरी तैयार हो गई है। मिल लो भैया, मिल लो, भाई का बर्थडे तेरे पता है तेरे को? पता है, तभी तो नहीं फ्रॉक पहनी इसने। कह रही नहीं पता मुझे कुछ भी। पापा कौन है ये तो बताओ। पापा तो पता, ये देखो बता दे। इशारा 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 पैर से बोल दिया। मैं जानू। तो गाइस बहुत ही कमाल की ड्रेस है, वही ड्रेस है जो अभी आई थी, ये वही वाली ड्रेस है जो गाइस हमने BMS किट से मंगवाई है। कमाल की ड्रेस है, आज तीनों बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, साथ में पहनेंगे नई कैप, नई मिटन्स, नई बूटीज, पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा ध्यान है ना, पूरा ध्यान। तो गाइस जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, बस केक काटने वाले हैं और कुछ ही मिनटों में 12 बजने वाले हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं इनको, मैं ये बात बोल रहा था, चलो ये तो घर की पार्टी है, कल को तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ गया तो तुम पार्टी में पहुंचने के लिए 2-3 बार हमारा झगड़ा होगा। नहीं तो ये बात बोलेंगे, जैसे पार्टी में जाना 8 बजे तो हमें बोलेंगे मुझे तुम 5 बजे रेडी चाहिए, तो हम 5 बजे जाके रेडी होंगे तो पहुंचेंगे। आज बता पाल, जैसे हम बच्चे को पार्टी में लेके जाएंगे कहीं और लेके जाएंगे तो तुम उसकी कितनी ड्रेस लेके जाओगे 2 घंटे के लिए? तो कम से कम दो तीन तो इसका मतलब 3, 6, 9, 9-10 ड्रेस बस। हाँ, और साथ में 2-3 ब्लैंकेट और साथ में डायपर और क्रीम और वाइप्स और बिब और मिटन और बूटीज, ये सब एक बड़ा वाला बैग। और सर्दियों में? सर्दियों में इसका डबल बड़ा लगेज लेके जाएंगे। आपको बस लेनी पड़ेगी अगर हमें कहीं घुमाने ले जाओगे तो। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, पैर रखने की जगह नहीं, आप देख सकते हो, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। ध्यान से पैर रखियो, गिरना बहुत ध्यान से। तो गाइस आज इतिहास में पहली बार चीकू इतने केक काटेगा। नहीं, एक दो तो एक काटते हैं। नहीं, एक दो तो काटते, पर एक साथ तीन नहीं काटते। अच्छा, लड़की एक और है हमारे साथ। तो क्या नाम बेटा आपका? कृतिका मलिक नाम तो सुना। तो गाइस पिछली डेकोरेशन मैंने करवाई थी वो इतनी बकवास करवाई थी, इस बार गोलू ने बहुत अच्छी डेकोरेशन कराई है। आजकल ना गाइस में काफी डेकोरेशन अच्छी है, लोग कम है हमारे पास। बस शुरू करते हैं कारीगर, हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। बहुत ही सुंदर केक है, हल्क वाला, सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं 12 बजने। तो गाइस अभी केक काटने वाले हैं और केक हम उन्हीं को खिलाएंगे जो गिफ्ट लेके आए। हाथ खड़े करो, कौन कौन लेके आए? गाइस तुमने बचपन में कहानी नहीं सुनी है रेड हाइडिंग हुड? लिटिल रेड हाइडिंग हुड तो उसके अंदर एक लड़की होती है, वो उसकी स्टोरी होती है। तो पूरा टाइम ना अपने ऊपर ऐसे मास्क वो पहन के रखती है, ऐसे पायल लग रही है, सेम मफलर लगा के। हाँ, तू रेड हाइडिंग हुड लग रही है। तो बस यहाँ तक तो चिकू पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हम इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। चलो चिकू देखियो पहुंचेगा यहाँ तक। बहुत ही कमाल के केक है। तो एक काम करियो, ये वाले केक ना खराब मत करियो, चाकू लगा दो। हमने जो सोसाइटी है ना हमारी, उसमें दे देंगे। हाँ, उसमें दे देंगे, इनको ये ना लगे ना झूठा, ठीक है? क्योंकि सारे तुम खा नहीं पाएंगे। ये तो काटियो बस। नहीं, भाभी का भी काटेंगे, वैसे तो भाभी बहुत मेहनत से लेके आई कहानी। वो सुन रहे थे, ये बच्चा भी हरे रंग का ही आया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चीकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे चीकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय तू भैया, पकड़ो, नहीं भारी है, हो गया वही रख लो भैया।
तो क्या हुआ, आप ये कैसे चश्मा? तो ये मैंने एक्चुअली ब्लैक ड्रेस पहन दी, सोचा ब्लैक चश्मा लगाऊं, सही लग रहा है क्या? बस मेरा स्टाइल है भैया, ये डिफरेंट स्टाइल मेरा। जो मांगोगे आज के दिन वही मिलेगा। क्या मशीन? नींद नींद सोना पापा छोड़ दी।